एलिस जब उस रैबिट होल में गिर रही थी, उसे ये नहीं पता था ये होल कितना गहरा है। उसे लगा कि आई शेल फॉल राइट थ्रू द अर्थ, हाउ फनी इट विल सीम टू कम आउट अमंग द पीपल दैट वॉक विद देयर हेड डाउनवर्ड्स। इस लड़की की इमेजिनेशन देखो, उसे लगा कि दुनिया के दूसरे छोर पर जो लोग रहते हैं वो सर के बल चलते हैं, कमाल। और उसके बाद वो सोचती है कि क्या पूछना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री है, ये न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है क्या? अब सवाल है हमारे यंग लर्नर्स के लिए जो हमारे फेरी टेल सुन रहे थे, उनसे पूछो भाई क्या ऐसा एक होल खोदा जा सकता है जो अर्थ के आर पार हो? क्या उसके चैलेंजेस हैं? क्या जो अर्थ की हीट है उसका क्या रोल होगा? अगर ऐसा होल खोद दिया जाए और उसमें से कोई गिर जाए तो क्या वो दूसरे छोर पे ही कैन वॉक आउट, या वो दोनों के होल्स के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा? कितनी देर लगे? 8000 मील एक घंटे से कम समय में तय करोगे तो आपके पास चिल्लाने की आवाज़ नहीं रहेगी, पता तो क्या पूछोगे तो?